सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित कौशल YTR। एंड हम लोग आ चुके हैं कोर्ट। तो कोर्ट में कुछ ऐसी बात हो रही है कि यहाँ पे जो डिवोर्स है उसका फाइनल हो रहा था, लेकिन अभी अबे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ा मतलब यही से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो सॉरी गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 1:25, जैसा देख सकते हैं, और हम लोग चल रहे हैं एडिन कहीं से बोला चलो आज घूम लेते हैं काफी दिन बाद, तो चलो यार घूमने चलते हैं। अभी गेट वेट सब कुछ हो चुका है, गेट लॉक कर लो जजमान, तो लॉक कर चुके हैं। अब फटाफट निकलते हैं अपने, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं घूमने, हमें तो अभी नहीं पता फिलहाल। ये देखो हमारे चाचा लोग चाची लोग बैठी हैं, सो मिलते हैं यार, कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं वो देखना है। थोड़ा और चलेंगे, हमें थोड़ा जगह दो यार। हाँ शांति, देख भी रहे घर, ओम शांति। दीदी को बोला कि घर देख, अभी तुम्हारे भाभी क्या घर से होके जाएंगे ना। ओके तो अभी हम लोग उदलपुरी उधर से पड़ता है क्या, इतने जाओ इतने भूल किया जाए, बोल ना बोल घूम के देख के जाएंगे, मेरे मन कर रहा था भाई कुछ भी लौंडा पागल है, ठीक है अभी पागल है पागल है पागल है लौंडा पागल है पूरा पागल है पूरा पागल है अबे पागल नहीं है। हेलो हाँ फिर इधर इधर देख पागल नहीं, इधर देख सीट बेल्ट लगा है नहीं चाहिए यार सीट बेल्ट, अगर कुछ ऑलरेडी फटा हुआ है ऑलरेडी कुछ नहीं है ऑलरेडी फटा हुआ है यार भाई लौंडा वाला मत कर थोड़ा कुछ नहीं देख ले जाएगा। क्या लग रहा है गाइस आज तो 2-3 पट ही जाएगा यार, चलो कभी ना अभी तक अभी वाइफ के लिए बोल रहा था कि उसको देखने का मन कर रहा है, चलो कुछ भी मतलब क्या ही बताए यार, मन चेंज बोलते है मोहब्बत तो उसी से करता है, और वही बात है ना लोगों को दिखाने के लिए हंसता खेलता रहता है, और क्या बोलते हैं। तो हम कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पे, लगभग 40 मिनट लग जाएगा, लगभग 40 मिनट बाद। अरे खाना खाया नहीं, खाया अबे यार खा लेना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं खाया। अभी गाइस 1:00 मतलब अब उस समय 25 मिनट हो रहा था, अभी 1:27 हो रहा है, बोले तो 2 मिनट हो चुके हम लोग को निकले हुए, और आई थिंक हम लोग पहुंचेंगे 2:00 पूरा, 2:10 पे। चलो यार आज, अरे हम लोग इधर क्यों मुड़ गए, आपको उधर जाना था, इधर से जाएंगे तो ये रोड वहाँ पे लेके जाएगा भाभी जी के घर। ओहो भाभी जी के घर जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मतलब है मोहब्बत तो है यार, क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आए थे ना, ये पीछे जो भिड़ुआ खड़ी है भिड़ुआ, अरे यार मतलब मेरे यहाँ भीड़ कहते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं वही झुंड झुंड झुंड। अच्छा वो 14 नवंबर है ना चिल्ड्रंस डे, इसलिए फरवरी थोड़ी ना यार, 14 नवंबर भाई ये लोग की क्या होता है, कभी भी ओ, साला दिन में 2 बार फादर्स डे आता है, मतलब दिन में नहीं चिल्ड्रंस डे आता है, साल में 2 बार आता है टीचर्स डे, टीचर्स डे 2 बार आता है साल में, मतलब भाई एक दिन 2 बार आता है कैसे भाई, एक बार ही आता है, 2 बार मनाते थे अभी देख लेना कैलेंडर में 2 बार आता है वही तो। अच्छा ये बताओ बॉयफ्रेंड डे वाला कौन सा दिन है यार, वो क्या बोलते हैं उसको प्रपोज डे, प्रपोज डे शायद ये 13 फरवरी की हो सकता है, 14 फरवरी का ठीक, वो तो वैलेंटाइन डे होता है ना क्या डे होता है वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे होता है ना वो, रोज डे कौन सा होता है यार। हाँ वही, हाँ बता बता रोज डे कौन सा होता है, नहीं बता रोज डे कब आता है मुझे नहीं, ऐसे ही होता है 11-12 ऐसे ही कुछ होता है, एंड में लास्ट में 14 के दिन होता है सब कुछ 14 सही है ना निखिल, हिंदी में बोल एक बार। हाँ सही है सही। अरे वो कौन सा तारीख को होता है, नहीं पता कौन सा तारीख को, लौंडा अश्लीलजनक बातें कर रहा है भाई 14 तारीख को, अबे नहीं यार 14 को ही होता है, 14 को ही होता है अश्लील भाई ये गलत बोला, मैं 14 बोल रहा हूँ कुछ और बोला ठीक है। अब यार ऐसा डेट ही रखे हैं ताकि थोड़ा लोग सुन के भी थोड़ा ऐसा समझ जाएं कि आज के दिन क्या होगा, ये भी ठीक है ये शायद आके चला गया क्या यार, आए तो बताना मुझे, नहीं ऐसा 3 मिनट लगेगा, इस यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है, धान गेहूं उगाना है आटा फिर बनाना है, हमारे निखिल भाई का इश्क है मोहब्बत है उसका अलग ही है, पता है स्कैम 1992 वाला रिस्क है तो इसका अच्छा उसका मामा जी का, मामा जी कुछ बोलना चाहेंगे है बोलना चाहेंगे,
कुछ नहीं बोलेंगे गाइस यार, मिस कर रहे हो यार, मतलब मिस तो कर ही रहे हो, मुझे भी पता है क्या फायदा यार किसी और को कर रहा है, लेकिन मिस तो कर रहे हो ना, हां कर मिस कर रहा है यार, कुछ भी हो जाए यार, अगर इतने दिन कोई साथ है किसी लड़ाई में कभी छोड़ के तो जाना नहीं चाहिए फिलहाल, मैं तो ये कहूँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी मिलते हैं पहुंच के, क्या होता है वो सब आपको वहां पे पता चलेगा, ठीक है। अभी 11:30 बज चुके हैं, मतलब 1:30 पूरे पूरे हो चुके हैं, मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी कुछ ही देर में भाभी जी का हमारे घर आने वाला है, तो आप भाभी जी का भी घर का दर्शन करा दे। यही ब्रिज है जहाँ पे रात में मैं साइकिल चढ़ाने में मेरी हालत खराब हुई, शादी करने के बाद भाई साइकिल चढ़ाने में हालत खराब हुई थी। क्या बोला तो भाभी जी को देख ले, नहीं पता चल पाएगा लेकिन पीछे चला ये यार, ये वाला है घर में नेपाली। और मेरे ठुल्लू कैसे हो, मतलब कैसे हो यार, मतलब आप लोग के लिए था और कुछ नहीं। का सूट क्यों करूं, इस लौंडे को जरा देखो, देखो इसे ये भाई बहुत मिस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कसम से, चेहरा देख रहा हूँ ना, तो मतलब जब भाभी जी का भी घर निकला था बड़े ध्यान से देख रहा था कसम से, एक बार दिख जाए बस हाय हाय ऐसा इसको लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा नहीं देखेंगे यार वहाँ पे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे यार। मैं कितने दिन हो गया यहाँ पे आया हूँ, अच्छा सा ऐसा थोपड़ा देख के तो कोई भी लड़की पट जाएगा, है ना, सूरा बहुत अपने आप को बोलता है यार, हम तैयार अच्छे से कई समय, एक मिनट में तैयार होके आते हैं। बिच्छी बाड़ी ना मारी, बिच्छी मारी मारी वो बोटा बाड़ी पीछे बोटी गई, क्या बिच्छी है इसके आगे क्या है, कितना बड़ा मतलब समझ लो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे ट्रांसफर होता है, यहाँ से ट्रांसफर होता है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ा, यहाँ का लिखा है चेंज का है कि नहीं बता, चेंज का अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ और तू सुन रहा है कुछ और, अच्छा बोलो बोलो, हम बोले यहाँ की सब्जी मंडी, अच्छा सब्जी बोल रहा था, मंडी मतलब तू क्या समझते है, नहीं नहीं वो मंडी मतलब समझ गया था, लेकिन तुम 5 इंच जब बोले तो कुछ और समझ, तो 5 इंच तो मैं नहीं बोला, ये सबसे बड़ा है सब्जी मंडी, क्या मंडी संडी तो हिंदी ना बोले सद्दाम किनी जानते जाए ना कौन दिया सद्दाम गया वो, चलो गाइस बीची मार निकल रहा है, बीची मारी मारी बीची मारी से हम लोग निकल रहे हैं, सद्दाम आया इस पर लागे थे, ये नहीं बोल रहा है बीबी आ जाएगी छोड़ो, यहां मेला वाला है क्या गाइस, मंडी है कब से बोल रहा हूँ, अरे देख जैसे हर एक जगह पे देवाइस मार्केट होता है ना, तो यहाँ पे मंडे को डेली मार्केट बड़ा होता है, बड़ा वाला मार्केट होता है मंडे को, अंदर पूरा मार्केट होता है अंदर, बहुत बड़ा, हम लोग बीची मारी के सब्जी मंडी में है, पूरा जिम सेंटर ये देखो क्या पूरा जिम सेंटर यहाँ पे इधर सब कुछ है, मतलब सब कुछ तो इधर ही ले लेना ये रूम, इधर मस्त रहे तो वाईफाई लगवा के, गुवाहाटी में मस्त रहेगा, गुवाहाटी में रह ले निखिल, अब सब जगह सही है, जहाँ मुस्लिम रहता है वहाँ पे तुम्हारे भाभी को रहना ही नहीं है, तो वो सोच है अपनी घंटा सोच है, वो रहेगा ही नहीं तो घंटा करूँगा बता, तो वही तो उसकी सोच है ना गाइस, ये सबसे तेरा सोच से मतलब है ना, मैं सोचा तो इसलिए तो मुगल दौर में था ना, गुजरात, अरे वहाँ पे मुस्लिम होता है क्या, नहीं मुस्लिम वहाँ तो ऐसा नहीं भी होता है ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं पढ़ता था, मतलब मेरा तस्वीर एकेडमी जो गया, हाँ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित कौशल YTR, एंड हम लोग आ चुके हैं कोर्ट, तो कोर्ट में कुछ ऐसी बात हो रही है कि यहाँ पे जो डिवोर्स व्यवर्स का फाइनल हो रहा था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा, अगर पहले अभी बात हो रही है कि इधर क्या होता है क्या नहीं होता, एंड देख सकते हो हम लोग कोर्ट के जस्ट बाहर है, ये पीछे हमारे जस्ट कोर्ट है, और हमारे साथ है निखिल, है हमको नहीं पता था, और ये रहा निखिल, बोले तो ADN, और हमारे एडवोकेट सर भी साथ में खड़े हैं, थोड़ा रूल्स एंड टर्म्स के मुताबिक हम उनका फेस अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कोर्ट के खिलाफ है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है,
बस अभी वो पता नहीं क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं पता डिवोर्स देना है नहीं देना, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सो आगे देखते हैं, जो भी होगा हम पता करेंगे बाद में, ठीक है। और कई लोग कहते हैं यार कैमरा भाई ठीक किया करो, कैमरा ठीक एंगल रखा करो। तो यार कई जगह ऐसा होता है ना जहाँ कैमरा हम दिखा नहीं सकते, तो वहाँ पे कैमरा सीक्रेट रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि कि बाद में किसी को इशू ना हो कि आप हमारा फेस मतलब बिना फेस, अभी हमने जैसा कि अभी हमें वकील से बात कर रहा है निखिल, तो इसीलिए अभी वकील से हम डायरेक्ट पहले मतलब लॉयर से डायरेक्ट बात किए कि हम आपका फेस दिखा सकते, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा फेस नहीं दिखा सकते हमारा डायरेक्ट, तो इसीलिए हमने मतलब एडवोकेट का वो लगा रखे थे थोड़ा सिंबल कोर्ट का, तो इसलिए उनका अभी हाफ हमने दिखाया। और निखिल बात कर रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, डिवोर्स के लिए, डिवोर्स नहीं देना शायद, जो भी है डिवोर्स देना है कि नहीं देना। यार मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों सब लोग एक हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों यार एक हो नहीं रहे, अगर एक हो जाएं तो कितना अच्छा रहे। फिलहाल अभी एक ही करने के लिए ये लोग तो मुझे बताया नहीं कि क्यों आए कोर्ट में, क्यों नहीं आए, देखते हैं क्या होता है यार। कोशिश तो ये रही कि दोनों फिर से एक हो जाएं यार, पूरा परिवार एक हो जाए, नहीं चाहते कि फिर से यार कोई ऐसा कुछ हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ अलग हो सब लोग, यार मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, ठीक है। मैं तो ये चाहूँगा फिर से एक हो जाए, क्यों ना थर्ड पार्टी को कोई दिक्कत होगी, ना यहाँ पे कोई गांव में दिक्कत होगा, जो भी है सब लोग यार चाहते हैं तो एक हो जाए ना, जो भी हुआ भूल जाए यार, अपने परिवार के लिए भूल जाए, अपने बच्चे के लिए, छोटा सा बच्चा है 5 साल का है, मंजलिका है, वो स्कूल जाता है, उसको दिक्कत होगी लाइफ में, बाद में अगर माना कि कुछ होता है डिवोर्स वोर्स होगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, ये लोग अभी नहीं सोच रहे, तो लाइफ में आगे पता चलेगा कितनी ज़्यादा इन लोग को दिक्कत होगी, बस और क्या बताऊँ यार। तो अभी वो बात कर रहा है, देख सकते हैं जैसा कि आप, और हमारे पीछे इधर कोर्ट है, और इस तरफ हमारा निखिल बात कर रहा है, बोले तो चलो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सर बताना कि इन लोग को साथ में रहना, मैं तो सोच रहा हूँ इन लोग को साथ में ही रखूँ, अलग ना होने दूँ, देख सकते हो ये निखिल है, बोले तो इंडियन और क्या हो गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, एक हो जाए बस फिर से अच्छा खासा परिवार, हंसता खेलता परिवार एक हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं यार। सहमत हो तो बताना मुझे कमेंट करके यार कैसा क्या चलना चाहिए, और यार कोशिश करना क्योंकि तुम लोग भी सोचने यार सब लोग कुछ अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं यार। होता है हर कोई थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी कभार ऐसा भ्रमित होता है लाइफ में, और मैं नहीं चाहूँगा दोबारा हो। आई थिंक बात हो चुकी है निखिल की, क्या बात कर रहा पता नहीं, लॉयर भी देख सकते हो जा रहे हैं, वो भी बात कर चुका है, अभी कोर्ट में जा रहे हैं वापस। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई, तो अभी के लिए बाय बाय।